जय जगन्नाथ नमस्कार। वीडियो क्लासेस यूट्यूब चैनल को मौज गणेश पांडा आपमन को स्वागत करुचे। सर्वप्रथमें महाविश्व संक्रांति हनुमान जयंती और ओडिशा नववर्ष उपलक्षे ओडिशावासी को वीडियो क्लासेस तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। बर्तन आज आम वीडियो में किसी काउनसलिंग रिलेटेड इंपोर्टेंट इनफर्मेशन सहित जो नीट 2022 रजिस्ट्रेशन फर्म बाहर से विषय में किसी इनफर्मेशन जाना जहाँ स्टूडेंट्स मान तरफ पेरेन्ट्स मान तरफ आमको विभिन्न प्रकार डाउट मध्यम आसी कल्स मध्यम आसी मेसेज मध्यम आसी समय काउनसलिंग चलता समय आमको तो मैक्सीम कल आसूँ आम रिसीव कर कारण मैक्सिमम स्टेट बर्तन एडमिशन चली लास्ट राउंड एडमिशन चली किसी पिल्ला को नहीं एडमिशन करा पड़ जाए अलग अलग स्टेट में तो इंपोर्टेंट इनफर्मेशन विषय में कौन कौन जाए बर्तमान देखो ऑल इंडिया स्टेट वैकेंसी सरी जाएगी आम ओडिशा में एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग स्पॉट राउंड काउंसलिंग सरी जाए किसी स्टूडेंट्स मैं किसी पेरेंट्स मैं डाउट अच्छी या पर कौन आउ गोटे काउंसलिंग सब चांसेस अच्छी कि हाँ हो पाए कहींपे जो ऑल इंडिया राउंड स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग से होता है जब स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग ऑल एमबीबीएस सीट्स पर रिपोर्टिंग 100% हो ना चाहे एमबीबीएस हो कि बीडीएस सीट्स पर 100% रिपोर्टिंग हो ना गोटे भी सीट्स वैकेंसी रही जाए कि पांचटी सीट्स वैकेंसी रही जाए तो जदिव सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन हिसाब से देखा तो सीट टी आप स्टेट को फेर ना ऑल इंडिया काउंसलिंग तरफ फिलअप करा पड़ो तो ऑल इंडिया तरफ एमसीसी तरफ से काउंसलिंग आउ थे कंडक्ट करे से स्टे वैकेंसी राउंड टू हो पाए कि तर के तर नोटिस आसपे जदि सीट वैकेंसी थाए तो सीट अच्छी ना बर्तन सुधा नोटिफिकेशन कराए ना कि बर्तन सुधा आम जाना जो ऑल इंडिया सीट वैकेंसी ना कि आम जो अनुमान करुँ पूर्वन अनुमान जहाँ रोचे हूँ तो किसी ना कि सीट वैकेंसी अच्छी किंतु जो से डिले करते काउनसिलिंग टी स्टे वैकेंसी राउंड को बर्तन जो स्टूडेंट्स मैंने चाहे राउंड वन हो राउंड टू हो मपो राउंड हो कि स्टे वैकेंसी राउंड से सीट अलॉटमेंट आसूँ बट से सीट को स्किप करते छाड़ कारण से कौन ना कौन स्टेट में पाई जदि स्टेट वैकेंसी राउंड टू हुए गोटे न्यू गाइडलाइन आसो जो गाइडलाइन मध्यम जब स्टूडेंट्स मानक सीट मिले से छाड़ी पारे ना कारण काउनसलिंग केमी बारंबार डेट को एक्सटेंड कर ना ये ऑल इंडिया काउनसलिंग जब आम देखा स्टेट काउनसलिंग स्टेट में स्पॉट राउंड काउनसलिंग सरी जाए तो जो स्टूडेंट्स मैंने एडमिशन नहीं सारी चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो बर्तमान तो पूरी मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज रिपोर्ट सरीगला हाईटेक रिपोर्ट चली जो मैंने हाईटेक एडमिशन नहीं चाहे भुवनेश्वर हो राउरकेला होने कलेज सहित इमिडली कंटाक्ट करूँ रिपोर्ट चली जहाँ आप जो 6.5 लाख हो 5.5 लाख हो पेमेंट डिपोजिट करते बाद नेक्स्ट पेमेंट रोचे 3.6 लाख पेमेंट रोचे बहुत कलेज बहुत भुवनेश्वर एंड राउरकेलार तरह आप डीडीए के पड़ा चेक करते अल्ल डिटेल्स आप हाईटेक मेडिकल कॉलेज सहित जोजोग कले रिपोर्टिंग करेंगे कमी क्लास हम कभी टू क्लास हम आप जो हाईटेक आपको मिली आप सहित कंटाक्ट करूँ जब देखा कोरापुट मेडिकल कॉलेज जो मैं अलॉटमेंट होती है से बोध 18 तारीख तक रिपोर्ट अच्छी जाजपुर नोटिस कहूँ तो आपको जो कलेज अलॉटमेंट होती है कलेज सहित आप इमिडली कंटाक्ट करूँ कलेज जाए रिपोर्ट करूँ जब से कलेज रिपोर्ट स्टार्ट हो जाए कलेज तरफ जहाँ आपको एडिशनल फीस मगा जाए आपको जो 30,000 डिपोजिट करते हैं बोध आप 8,000 समथिंग किसी फीस मगा ट्यूशन फीस हिसाब से एंड आप हॉस्टल चार्जेस जहाँ थी से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट से मांगे ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं फाइन आपको फिजिकली रिपोर्ट करा पड़े निजे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को कलेज को जीवा को पड़ो आपको मन भर डाउट थोड़ा ओडिशा आउ थे कौन काउंसिल हमारे चांसेस रही कि जदि ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड टू हुए आम ओडिशा किसी स्टूडेंट्स जब एम्स फेम्स भल जगह सीट वैकेंसी आसे आम ओडिशा किसी पिला स्टे वैकेंसी राउंड टू पाई जाती से स्टेट सीट को विथड्रॉ करती ओडिशा किसी सीट वैकेंसी हम जब ओडिशा किसी एमबीबीएस सीट वैकेंसी है ओडिशा तरफ आउ गए स्पॉट ऑन काउंसलिंग टू कंडक्ट करे कि कंडक्ट होगा सीट वैकेंसी को देखिक हम आप ओजेई साइड सत अपडेट रोते कि किसी अपडेट आसे आम इमिडियट आम चैनल मध्यम आपको अपडेट करदेबू देखो जो स्टे वैकेंसी राउंड वन होते जो स्पॉट राउंड वन है ओडिशा तरफ तर कटमार्क जो डाउन है से गवर्नमेंट तो 590 पाखापी कटमार्क है विशेष किसी मैंने फरक पड़ानी से आम तो आप जहाँ पूर्व मन करूँ आप देखो तो आम मैक्सीम भिड को आप देखिए जो आफ्टर रिजल्ट बाहर पर आम कही 590 जो स्टूडेंट्स मैंने मार्क्स स्कोर रखी से मैक्सीम गवर्नमेंट सेफ जोन रही तो से 590 मैक्सीम स्टूडेंट्स किसी स्टूडेंट सीट मिली ना तो कि मैक्सीम स्टूडेंट 590 पर मार्क पर ही सीट मिलता कि जो टाइमिंग दिगला प्राइवेट जो सीट टॉप मार्क डाउन होगा जो टाइमिंग दिगला आपंकर स्पॉट राउंड काउंसलिंग बहुत कम समय है किसी स्टूडेंट्स मतलब जापारे अपडेट रही ना से आउ किसी स्टूडेंट्स मैंने किसी पेरेंट्स आपको कल करते से समय भितर डीडी नहीं कि भुवनेश्वर पहुंची पारे जी जो स्टे वैकेंसी राउंड आउ टे टाइमिंग दि जाता मजे टे गैप दी जाता हूं तो एत कट अफ डाउन होता जितकी प्राइवेट कट अफ डाउन है से विषय में आउ गए प्रिवियसली आम आउ गए भिडियो डिस्कसन के फाइनाल कहीदेव जो पर्टिकुला कौ कौ कलेजर के कट अफ मार्क ए वर्ष 2021 जाइए यहाँ है एमबीबीएस बीडीएस काउनसलिंग जदि सीट वैकेंसी रोचे तो ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड टू हो पाए कि स्टेट में स्टे वैकेंसी राउंड टू हो पाए आउ गए रहा है प्राइवेट एडमिशन जो मैंने डीम यूनिवर्सिटी फॉलो करते मैक्सिमम डीम यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड काउनसलिंग चली
किसी डीम यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड काउंसलिंग सरीगला जो स्टूडेंट्स मानक राउंड वन राउंड टू मप सीट मिली नाला डीम यूनिवर्सिटी मानक मेरे से 2 लाख डिपोजिट करते हैं केवल रिजल्ट डीम यूनिवर्सिटी एडमिशन नाई स्टेप वैकेंसी राउंड में तो बर्तमान आपने फॉलोअप करते जब कौन से डीम यूनिवर्सिटी बर्तमान स्टेप वैकेंसी कंटिन्यू करु आप स्टेप वैकेंसी राउंड में इलिजिबल अच्छा आपने जानते कमी आप इलिजिबल अच्छा बर्तमान एमसी साइड तरह लिस्ट शो करुचे से लिस्ट आप रोल नंबर मारे सर्च करते पारे आपको ना शो कर जब आप ना शो करते हैं आप डीम यूनिवर्सिटी स्टेप वैकेंसी राउंड में इलिजिबल अच्छा तो जिते आम जो 49 डीम यूनिवर्सिटी अच्छे डीम यूनिवर्सिटी कंटाक्ट करेंगे कोई डीम यूनिवर्सिटी बर्तमान स्टेप वैकेंसी राउंड चली कार कंप्लीट हो गई कार सीट्स वैकेंसी अच्छी तेल आप सीट पाइव संभावना रही है जहाँ कलेजर बजेट थी से बजेट हिसाब से आपको पेमेंट करा पड़ा जितेबाला डीम यूनिवर्सिटी तरफ स्टेप वैकेंसी राउंड बजेट कथ आसे जितकी फीस थाए एक्चुअल फीस जी थे से फीस एडमिशन हुए ना कलेजर वैकेंसी देखिए आपको कलेजर पिला के पिला कलेज को अप्लाई करें देखिए कलेजर मैनेजमेंट डिसाइड करते कैसे फीस नहीं जाए हूँ तो फीस बढ़ी भी जाए फीस भी डाउन हो पाए सर कलेजर मैनेजमेंट पर संपूर्ण डिपेंड कर आउ किसी स्टूडेंट्स मैंने हम करते बर्तमान लास्ट राउंड काउंसलिंग आज पहुंच गला बर्तमान आम कौटी एमबीएस एडमिशन नहीं पारो कि आम ऑल ओवर इंडिया प्राइवेट एमबीएस बर्तमान चांसेस अच्छे लास्ट चांस अच्छे जदि जो स्टूडेंट्स मैंने 2021 काउंसिल कौटी सीट पाई एडमिशन ना चाहे गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो बर्तमान ही आपने एडमिशन नहीं पारे बर्तमान चांस अच्छे आपड़ा सहित कंटाक्ट करेंगे किसी कलेजर लास्ट रेफरेंस राउंड चलुचे किसी गोटे पिला किसी पिला विड्रो मार्जेंट से जो विड्रो सीट्स मार्जेंट से विड्रो सीट एडमिशन होगा चांस जदि आपर बजेट 70 लाख्स 1 करोड़ भितर अच्छे 7 लाख्स 9 लाख्स भितर अच्छे 7 लाख्स 8 लाख्स भितर अच्छे आपंकर स्कोर पाखापाखी आपंकर भल अच्छे तालोल आम सहित जोाजोग करूँ जो जो स्टेट्र जो जो मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कलेज सीट विड्रो हो सीट वैकेंसी आसूँ से कलेज सहित आम डायरेक्ट जोाजोग करूँ जदि आप कलेज इलिजिबल हो पारे स्टेट वैकेंसी राउंड से कलेज कंटिन्यू करेंगे कौन बजेट हो पार कैसे एक्सट्रा चार्जेस रहा है अल्ड डेट आपको इनफर्मेशन करूँ देन आप कलेज गोटे सीट पाए जब आप चाहते 2021 एमबीएस प्राइवेट मेडिकल एडमिशन नापी तो इमिडली आम सहित जोजोग करें किसी कलेज सीट वैकेंसी अच्छी आम पाक इनफर्मेशन आसूँ आम किसी स्टूडेंट मैं अलरेडी रजिस्ट्रेशन कर सारे सीट वैकेंसी राउंड में जदि आपर बजेट 70 लाख्स 9 लाख्स भितर अच्छे कि 1 करोड़ भितर आपर बजेट अच्छी लो मार्क अच्छे हाई बजेट दरकार हाई मार्क अच्छे आपको 70 लाख्स 70 लाख्स बजेट में हो जाए से गोटे आवरेज बजेट नियाजाऊ 70 लाख्स 1 करोड़ भितर जदि अच्छे आप एडमिशन पर चाहते तेल समय ना मैक्सीम टू मैक्सीम 20 तारीख भितर एडमिशन कंप्लीट हो ऑल ओवर इंडिया भितर तो इमिडियटली आम सहित जोजोग करें बोले जो कलेजर सीट वैकेंसी आसी कारण जो सीट वैकेंसी आसूचे जितने स्टूडेंट्स मैंने किसी स्टूडेंट्स सीट को विड्रो करते किसी मैंने जो नीट 2022 फॉर्म बाहर गलाने किसी स्टूडेंट्स मैंने प्राइवेट मेडिकल कलेज सीट को विड्रो कर आउ थे एक्जाम देखें चाहते तो किसी कलेजर सीट डाउन हो तो डाउन होती से कलेज पर आम पाक जो इनफर्मेशन आसूँ आम कलेजर 3-4 सीट वैकेंसी आसा तो से आम सहित जो कंटाक्ट मैंने जोजा आम नीटली से स्टूडेंट्स नहीं कलेज पहुंचे दूसरे और मैंने एडमिशन पाते जब आप एडमिशन पर चाहते तेल आम सहित इमिडियटली जोजोग करेंगे ये एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग रिलेटेड इनफर्मेशन आगे देखा बीएमएस एंड बीएचएम काउंसिल रिलेटेड इनफर्मेशन बीएमएस एंड बीएचएम सहित डेट एक्सटेंस होता 16/4/2022 पर्यंत रजिस्ट्रेशन डेट दी जाए कि स्टूडेंट्स मानक मध्य क्वेश्चन थी जो स्टूडेंट्स मैंने एडमिशन आपर फास्ट राउंड में पाई कलेज अलॉटमेंट होता 5000 डिपोजिट करते डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते बट जो सेकंड राउंड काउंसलिंग चली चॉइस फिलिंग्स ऑप्शन शो करना से चॉइस फिलिंग ऑप्शन शो करना आपने फास्ट राउंड में जो प्रायोरिटी बेसिस चॉइस फिलिंग करते से प्रायोरिटी बेसिस आपको कलेज अलॉटमेंट फॉर एग्जांपल जब आप पूरी मेडिकल कॉलेज गंजाम मेडिकल कॉलेज एंड बलांगीर मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक देखते आपको गंजाम अलॉटमेंट हो सेकंड ऑप्शन आपको गंजाम थी और 1 नंबर आपको पूरी थी तेल जब आप पूरी सीट वैकेंसी होती है आपको ऑटो प्रोडक्शन से हो पूरी को कितु जब आप गोटे चॉइस देते ओनली आपर पूरी आउ कौन चॉइस देना तेल आप पूरी ही आपके पाखे रही है अधिक आप चेंज करेंगे ना जब आप सीट अलॉटमेंट होती है जब आपको कौन सीट अलॉटमेंट होनी तेल आप न्यू चॉइस फिलिंग करेंगे जो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे से न्यू चॉइस फिलिंग करेंगे कितु जो स्टूडेंट्स मैंने चॉइस फिलिंग करते फास्ट राउंड में सिलेक्ट अलॉटमेंट होता है सेट को एक्सेप्ट कर 5000 डिपोजिट कर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते आउ हम न्यू चॉइस फिलिंग करेंगे ना से केवल प्रायोरिटी बेस ऑटो फिलेक्शन से उपरूर तक जदि तर भल मार्क थी सीट वैकेंसी थी उपर कलेज उपर कलेज जाए कि जो कलेज अच्छे से कलेज सेम्स रही है बीएमएस एंड बीएचएमएस काउंसिल रिलेटेड इनफर्मेशन आउ देखा नीट 2022 जो आम रजिस्ट्रेशन चली रजिस्ट्रेशन 7 तारीख पर्यटन अच्छी किसी स्टूडेंट्स मैंने भूल करदे आम बारंबार आपको कहूँ आपने प्रस्पेक्ट भल भाव में पढ़ु रीड करूँ तार जहाँ भी जहाँ इनफर्मेशन मांगी ताको भल भाव देखिए आप रजिस्ट्रेशन करूँ कारण किसी स्टूडेंट्स मैंने कहते हैं प्रिवियस एम फिलअप करते
କରୁଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ଫିଲ୍ଡ ମାରିଦେବୁ, କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଓନ୍ଲି ଥମ୍ ମାଗିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଥମ୍ ସହିତ ଫିଙ୍ଗର୍ସ ମାଗିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ଲାସେସ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ଆପଣ ରିସେସନ୍ କରି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏନ୍ଟିଏ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏନ୍ଟିଏ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମେଲ୍, ତାଙ୍କ ମେଲ୍ରେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ମେଲ୍ ଅଛି, ସେ ସପୋର୍ଟ ମେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର କେୟାର୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। କିମ୍ବା 7 ତାରିଖ ପରେ ଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିବ ଫିଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେମାନେ ଏଡିଟର୍ ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି ମାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କଲାଣି, ଏନ୍ଟିଏ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଫର୍ମ ଭୁଲ୍ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆସିବ କି ନାହିଁ କନ୍ଫର୍ମ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏନ୍ଟିଏ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆଉଥରେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ କୋଡ଼୍କୁ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବର୍ଷ ଆପିୟର୍ କରିବେ 2022ରେ ସେମାନେ 0-1 ମାରନ୍ତୁ, ଅଦର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ 0-2 ମାରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଏସ୍ସି ପଢ଼ୁଥିବେ କି ଅଲଗା କିଛି ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ 3-5 ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୋଡ଼୍ ଅଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ସେ କୋଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର 1-2 ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କୋଡ଼୍ଟା। ମାକ୍ସିମମ୍ 1 ମାରି ମାନେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ 1 ମାରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 0-2 ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଟାଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଟାଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରି ପାରୁନି ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେ ଫାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଫୋର୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଟାଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ କାଟାଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ତାକୁ ଚାହେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁସିଏସ୍ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। କିମ୍ ଏନ୍ଟିଏକୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ କରିଦେବେ, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଆକନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ରେ ପଠାଇଦେବେ ଯେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ରିଅପ୍ଲୋଡ଼୍ କରିଦେବୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟାଇମିଂ ସରିଯାଉଛି, ଆମ ପାଖକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ 2 ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ 2 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଫୋର୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିବେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ମାଗିବ, ସେଟା କେମିତି କରାଯିବ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମିଂ ଆସିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଏ ଥିଲା MBBS BDS କାଉନ୍ସିଲିଂ, BMS BHS କାଉନ୍ସିଲିଂ, ପ୍ଲସ୍ ନିଟ୍ 2022ର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ସେ ଡାଉଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଟ୍ 2022 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଭଲ ଲାଗି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ରିଜନ୍ କରିବା, ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସହ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଓନ୍ଲି 2-3 ମନ୍ଥ ସେଠାରେ ରହି ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଯେଉଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଥିଲା ଯେତିକି ମାରିଥିଲା ତା ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ ବତେଇବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଦେବୁ, କେମିତି ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କରିବେ, କେମିତି କୋର୍ସକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, କେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଆପଣ ଅଧିକା ଟିକେ ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ, ତ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ନିଟ୍ 2021ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ 2021-22 ସେକ୍ସନ୍ସରେ MBBS କେଉଁ ନା କେଉଁ ଗୋଟେ କଲେଜ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କଲେଜ୍ର ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ, ଚାହେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କଲେଜ୍ର ଭେକେନ୍ସି ହେଉ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ବଜେଟ୍ରେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ MBBS ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।